जय राम दादा सब दबा। इतना शोषित मत कीजिए, इतना पीड़ित मत कीजिए कि हथियार उठा ले। झारखंड पारसनाथ के तराई पर आज भी मेरा 26 जनवरी उस दिन मेरा घर में झंडा गाड़ दिया था, काला झंडा। एमसीसी लोग कौन है? वो लोग हमारे लोग हैं। कौन बनाया? आपके सिस्टम ने बनाया है, आपकी नीतियों ने बनाया है। हम जेपीएससी का स्टूडेंट है, एक नंबर से मेरा जेपीएससी छूटा है। कहा है आपके गलत नीतियों के कारण। आज सातवां जेपीएससी विवादित है, क्यों? एक से सातवां तक जाने नहीं देता ये लोग। जान के लॉबी सेट करके रखा है कि यहाँ का बच्चा पढ़ेगा, ऊपर उठेगा, अपना अधिकार जानेगा तो अपना अधिकार मांगेगा। ऊपर के नीचे आप चेक कर लीजिए, 6,66,000 डाटा, सरकार का डाटा कहता है 6,66,000 सीट खाली है, लेकिन एक बच्चा को ऊपर आने नहीं देता ये लोग। हर चीज के नहीं है, क्षेत्रीय भाषा की परिभाषा होती कि जो क्षेत्र में बोली जाती है, वो जिस क्षेत्र में बोली जाती है वही क्षेत्रीय भाषा है। एक ही क्षेत्र में बोली जाती है, नहीं कि दूसरा क्षेत्र में। अभी लोग कहता है कि हम 40 साल से रह रहे हैं, हमको इसका भाषा का दर्जा। तो हम आप लोग को बताते हैं, 40 साल से हमारा अंडमान निकोबार और असम में, जब अंडमान निकोबार को बसाने की जब बात चली, अंडमान निकोबार को जब बसाने की बात चली तो हमारे लोग जो थे जंगल काटने में बहुत निपुण थे। तो अंग्रेज लोग 100 साल पहले उन लोगों को ले गए वहाँ पे जंगल काटने के लिए और आइलैंड को बसाने के लिए। उन्होंने जंगल काटा, आइलैंड को बसाया, वो लोग वहीं बस गए। अभी नागपुरी बोलते हैं, लेकिन आज तक उसको दर्जा नहीं मिला। जब अंग्रेजों ने असम को चाय खेती, असम में जब चाय खेती शुरू की तो हमारे लोग बहुत निपुण थे और बहुत श्रमशील थे। उनको ले गया वहाँ पर चाय को खेती करवाने के लिए, चाय का खेती करवाए, वो लोग भी वहाँ बस गए। आज नागपुरी बोलते लेकिन परिभाषित नहीं है, उनकी भाषा को महत्व नहीं दिया गया है। इस बात को समझना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि हमारी क्षेत्रीय भाषा कौन है। मापदंड को मानना पड़ेगा, मापदंड ही है जो क्षेत्रीय भाषा को ही कर सकता है। भोजपुरी यहाँ की नहीं है, आप देख लीजिए, कोई भी प्रमाण अगर मिल जाता तो हम उसका गुलाम है। प्रमाण है ही नहीं, किसी भी भाषा का प्रमाण नहीं है। नो ही भाषा हमारा है, नो ही भाषा रहेगी, किसी भी कीमत रहेगी। अगर भैया हमने सर बहुत दिए है अपने संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए, अब सर नहीं देंगे, हम ले लेंगे लेकिन देंगे नहीं। भाषा की बात है, भाषा हमारा सुरक्षित रहना चाहिए। और उर्दू का हम खंडन करते हैं। उर्दू यहाँ का ठीक है, उर्दू अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, देश के 54 कंट्री में बोला जाता है, लेकिन वो क्षेत्रीय भाषा नहीं है। अगर कोई प्रमाण दे देता है, कोई साबित कर देता है तो हम उसका गुलाम रहने के लिए तैयार है। साबित करके दिखा कि क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है ही नहीं। क्षेत्रीय उर्दू जो है खुद तुर्क का भाषा है, जो तुर्की जब यहाँ आए 1200 सदी में तो वो तुर्क वाले लेके आए, और अमीर खुसरो जो था उसका कवि अमीर खुसरो ने उसको बढ़ाने का काम किया। वो क्षेत्र का भाषा नहीं हो सकता। आप हमारे हैं, हमारे मूल का है, हमारे हैं, आप जहाँ है जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में वो भाषा बोलते हैं। अगर खोरठा भाषी है तो खोरठा बोलते हैं, नागपुरी भाषी है तो नागपुरी बोलते हैं, लेकिन आप उर्दू नहीं बोलते हैं, आपकी क्षेत्रीय भाषा उर्दू नहीं है। आप इसका बात आज हम मधु मंसूरी को सब जानते होंगे, उसका मायकोरवा भाषा क्या है? नागपुरी है। नागपुरी में गा के उन्होंने 1962 में जब जयपाल सिंह मुंडा ने जब उसको कांग्रेस में मिला दिया तो उन्होंने एक गाना गाया था, मुर्गा छाप के बेचने रे गले गलम खेले दो था। वो गाना गा के उसको कटाक्ष किया था कि तुमने झारखंड को बेचा है। किसमें गाया था? नागपुरी में। उन्होंने 1962 से गाना शुरू किया, 1969 से लेकर 2000 तक गाना गाया, और एक ऊर्जा का उसको मतलब झारखंड को अलग करने में अहम योगदान। उनसे कोई पूछे कि तुम्हारा मायकोरवा भाषा क्या है, वो नागपुरी में बोलेंगे कि मेरा नागपुरी है। मजबूर खान को देख लीजिए, आजाद अंसारी को देख लीजिए, सब ने नागपुरी में गाया है। मजबूर खान का कल परसों एक वीडियो जारी होता है नागपुरी में, मायकोरवा भाषा को बचाने में। उन्होंने उर्दू का तारीफ कभी नहीं किया, किया क्या? नहीं किया है, तो वो हमारा उर्दू नहीं है। देखिए भैया, हमको किसी भी जात संप्रदाय लिंग धर्म क्षेत्रवाद से किसी से लड़ाई नहीं है, हमें बस अपनी अस्मिता और अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। क्या हमको ये अधिकार नहीं है कि हम अपनी अस्मिता को बचाएं, अपना अस्तित्व को बचाएं कि नहीं? हमारा जो पूर्वज थे उन्होंने क्या सपना देखा था? झारखंड क्यों अलग करना चाहते थे? झारखंड को कहा जाता है टेबल लैंड। टेबल लैंड का मतलब होता है टेबल जिस तरह से उठा हुआ रहता है, ऐसे झारखंड का जो लैंड है वो टेबल लैंड है। जो बिहार है वो समतल भूमि है, बंगाल है वो समतल भूमि है, हमारा भूमि उठा हुआ है। ये अंग्रेज भी भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हर दृष्टि से अलग था। इसीलिए अंग्रेजों ने 1908 के CNT का प्रबंध किया था, CNT एक्ट 1908 का। हमारा सर्वे 1902 में प्रारंभ होता है, 1905 में सर्वे कम्प्लीट होता है, 11 नवम्बर 1908 को लागू होता है पहला सर्वे। अब हम लोग बात करते हैं 1932 के खतियान के। इसमें भी समझने वाली बात है कि हम लोग 1932 के खतियान का बात करते क्यों। 1908 में जब सर्वे हुआ उस समय टेक्नोलॉजी कम थी, संसाधन कम थे,
तो सर्वे हुआ तो कुछ कुछ भाग छूट गया। 1932 में सर्वे लगभग लगभग सही हुआ है। तो हम ये नहीं कहते कि आप 1932 को ही लागू कीजिए, लेकिन एक आधार 1932 तय करने बोलते हैं। 1954 का सेटलमेंट है, 1964 का सेटलमेंट है, लेकिन आप किसी सेटलमेंट को ही मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैट्रिक इंटर कोई आधार हो सकता है क्या? नहीं। हमारे लोग भी 40 सालों से रह रहे हैं मुंबई में, गुजरात में, दिल्ली में, कर्नाटक में, क्या हमको मिल जाएगा वहाँ का प्रमाण? मिल जाएगा? नहीं। भारत में एकल नागरिकता है, एक ही नागरिकता मिलेगी, एक ही डोमिसाइल परिभाषित होगा, दो डोमिसाइल नहीं चलेगा। अमेरिका नहीं है जो दो डोमिसाइल चलेगा। अमेरिका के लिए भी दो डोमिसाइल बनता है तो दो राज्यों का नहीं बनता है, एक देश का बनता है, एक राज्य का बनता है। हमारे पास तो आप यहाँ भी ले रहे हैं, वहाँ भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं कहते भैया। मोला।